हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल किचन विद प्रीति में। तो आज मैं बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी जो छठ पर्व में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो आज मैं बनाऊंगी ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए सौंफ, नारियल छोटा छोटा कटा हुआ और आधा किलो के लगभग गुड़। तो यहाँ पे गुड़ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ ले रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी यहाँ मैं 2 कप यूज़ कर रही हूँ, आटा के अनुसार हम पानी लेंगे। अब गुड़ को घुलने के लिए हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए गुड़ लगभग घुल चुका है, तो हम इसे अब छान लेंगे, जो एक्स्ट्रा कचड़ा है वो हमारा निकल जाएगा। तो इसलिए हम गुड़ को पहले घोल लिए हैं, फिर उसको हम छान लिए हैं। छानने के बाद देखिए पूरा कचरा निकल गया, गुड़ साफ हो गया है। अब मैं 1 कप ले ली हूँ, उसमें 3 कप मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल आटा है ये, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी आटे से। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी, उसके बाद मैं डालूँगी 1.5 चम्मच के लगभग सौंफ, फिर नारियल 2 चम्मच। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। तो बिहार की छठ पूजा में सबसे ज़्यादा ठेकुआ बनाया जाता है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हम ठेकुआ बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जब ऐसे ही आटा हो जाएगा, लड्डू टाइप से बनने लगेगा, तो मतलब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे गुड़ का घोल, एक ही बार में हम नहीं डालेंगे। और जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से हम आटा गूंथ लेंगे। और इसे जब भी मन करे खाने के लिए हम बना भी सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से आटे को गूंथ लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसका बनाएंगे छोटी छोटी लोई, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं। तो ये मैं लोई बना ली हूँ, एक इतनी बड़ी है लोई। लोई आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले ली हूँ टोकनी। टोकनी से भी बना सकते हैं, या तो फिर आपके पास सांचा है तो सांचे से भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, ले सकते हैं। तो इससे बनाना भी एकदम आसान है। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे दबाते हुए देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा बन जाता है टोकनी से, इसलिए हम इसी से बना दे रहे हैं। उसके बाद जितनी भी लोइयां हैं हम उसे भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से करने के बाद दबाएंगे इस तरीके से, एक बार सीधा फिर एक बार उल्टा। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इससे बनाने से। अब जितना भी आटा है मैं सभी को बना लूँगी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सभी को बना लिया है। बिना सांचा का ठेकुआ बनाना एकदम आसान और सरल है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सभी ठेकुआ बना ली हूँ। अब मैं जाऊँगी इनको फ्राई करने। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। तो ये देखिए अब मैं कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हम फ्लेम को हाई करके नहीं फ्राई करेंगे, एकदम मीडियम पे, और नॉर्मल ही तेल गर्म रहेगा तभी हम इसमें डालेंगे। तेल ज़्यादा गर्म ना रहे, नहीं तो ठेकुआ का टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि वो अंदर अंदर नहीं पक पाता है। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक तरफ से हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इसे पलट दूंगी। सभी ठेकुओं को हम पलट देंगे और फिर उसके बाद गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे।
अब इसी तरीके से जितने भी बचे हुए ठेकुआ हैं उन सभी को मैं मीडियम फ्लेम करके सभी को निकाल लूँगी, अच्छे से छान लूँगी। तो ये देखिए, दो दो करके, तीन तीन करके इस तरीके से हम डाल के सभी को हम छान लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सभी को छान ले रहे हैं। तो ठेकुआ बनाना एकदम आसान है। तो चलिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एकदम कुरकुरे सा ठेकुआ बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे कभी भी किसी समय भी बना के खा सकते हैं। खासकर बिहार में इसे त्योहार में, छठ पूजा में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा ठेकुआ बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरीके से हमने ठेकुआ बना के तैयार कर लिए हैं।